मरियम नवाज की कैप्टन सफदर के हमरा नैब ऑफिस आमद, हमजा शहबाज से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, एहतसाब अदालत के जज की मुबैना वीडियो के मामले पर तबादला ख्याल। शरीफ फैमिली ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली से मिलकर रात का खाना खाया। नैब जेल में हमजा शहबाज के हौसले बहुत बुलंद हैं, वालिद को देखने पर 6 माह की बच्ची के तासुरात दीदनी थे। मरियम नवाज का ट्वीट। रावी रोड की टिम्बर मार्केट में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग 3.5 घंटे के बाद बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी, फैक्ट्री की बालाई मंजिल की छत गिर गई, इमारत मुनहदिम होने का खदशा, लाखों रुपए का सामान जल गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, रेस्क्यू एहलकार। आग बुझाने में रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। शनाख्ती कार्ड की शर्त और 17% GST नामंजूर, ताजरों की शहर भर में शटर डाउन हड़ताल। मईशत का पहिया जाम, 200 से ज्यादा छोटी और बड़ी मार्केटों को ताले, कारोबारी और माशी सरगर्मियां मुअत्तल। सुबह से शाम तक दुकानों के शटर न खुले, मार्केटों और शॉपिंग प्लाजों में सन्नाटा रहा। शालम समेत पुर रौनक मार्केटों में भी वीरानियां, खरीद फरोख्त बंद होने से दुकानदारों और शहरियों को मुश्किल का सामना रहा। मजदूर तबका दिहाड़ी न लगने पर परेशान, निजाम जिंदगी मफलूज। आजम क्लाथ मार्केट, पाकिस्तान मार्केट, बादामी वाक स्टील मार्केट बंद, मिस्री शालोहा मार्केट, लंडा बाजार, लोहा मार्केट, रेलवे रोड, केमिकल मार्केट, सर्कुलर रोड भी शटर डाउन। ब्रांडेड रोड और रहमान गलियां, दिल मोहम्मद रोड समेत तमाम मुल्हिका मार्केट्स बंद रहीं। शहर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट हॉल रोड पर दुकानों को भी ताले लगे रहे। अकबरी मंडी दिल्ली दरवाजे से मुल्हिका मार्केट्स में भी शटर डाउन हड़ताल। मैकलोड रोड मोटरसाइकिल मार्केट में भी कारोबार मुअत्तल रहा। शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी मराकज में वीरानियां, बानो बाजार, पैरस मार्केट, बख्शी और बाबर मार्केट भी बंद रही। इकबाल टाउन, क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट में भी हड़ताल। जेल रोड कार मार्केट, DHA, समनाबाद कार मार्केट, शौकत अली कार मार्केट भी बंद। लिबर्टी मार्केट, हफीज सेंटर, गुलबर्ग सेंटर, मेन मार्केट में भी शटर डाउन। बिलालगंज में ऑटो पार्ट्स की तमाम मार्केट बंद। इस आदमियों की हड़ताल न करने के ऐलान के बावजूद मेडिसिन मार्केट लोहारी गेट बंद रही। हुकूमत से मुजाकरात के हामी, ताजरों ने दुकानें खुली रखी। क्रीम मार्केट, आबिद मार्केट, टोलेंटन मार्केट, बरकत मार्केट और सिद्दीक सेंटर खुला रहा। सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग और सब्जी मंडी सिंहपुरा में कारोबार हुआ। मांग मंडी और चौंक के बाजारों में भी कारोबारी सरगर्मियां जारी। इन्फेंट्री रोड से मुल्हिका मेन बाजार भी ओपन। ताजरों का मुतालबात की मंजूरी तक टैक्स रिटर्न जमा न कराने का ऐलान। नए टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। दोबारा गैर मुअय्यन मुद्दत तक शटर डाउन हड़ताल का भी इंदिया। वज़ीर आज़म से माशी टीम की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, लिबर्टी, गोलचक्कर और मॉल रोड के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नईम मीर कहते हैं मुल्की तारीख में इससे बड़ी हड़ताल नहीं हुई। काशिफ चौधरी बोले टैक्सेस को खत्म न किया गया तो माशी तबाही होगी। इस्लामाबाद में FPR के सामने धरना देंगे। टैक्स ना देने वाले ताजर हड़ताल कर रहे हैं। ताजरों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए, तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई, अब हड़ताल का कोई जवाज नहीं। ताजर सियासी जमातों के आलाकार न बने, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, चीनी सरमाकारों के वफद से मुलाकात। चीनी कंपनियों की $5 अरब से इंडस्ट्री लगाने में इजहार दिलचस्पी, ताजरों की सहूलत के लिए कमेटी कायम।
माजरों का शटर डाउन, सनअतकार और मजदूर सड़कों पर, स्टील रोलिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज 13वें रोज भी बंद। दारोगावाला में चौक जीजी रोड पर मजदूर और मालिकान सरापा एहतजाज, जालिम बजट नामंजूर नामंजूर के नारे, हुकूमत मुतालबात पूरे करने में संजीदा नहीं, 13 दिन हो गए कोई मुजाकरात के लिए नहीं आया। इंडस्ट्री बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके, मजदूरों और मिल्स मालिकान की दुहाई। टैक्सों की भरमार और नाजायज चालान, मिनी मजदा एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल, बाबू साबू में हड़ताली कैंप, टैक्स कानून में तरमीम का मुतालबा। ट्रेडर्स अलायंस के मरकजी सदर मोहम्मद अली मियां की भी एहतजाजी कैंप में शिरकत, मोहम्मद अली मियां ने हड़ताल कामयाब करार दे दी। जिले इंतजामिया हड़ताल खत्म कराने में नाकाम, डिप्टी कमिश्नर से हड़ताली ताजरों और हुकूमत के हामी ताजरों के 2 घंटे तक मुजाकरात, डीसी की दुकानें खोलने की अपील, हुकूमत मुखालिफ ताजरों का मार्केटें खोलने से इनकार। शेख उमर हयात सुहेल बट्स में ताजरों की मुलाकात, हुकूमत ने एफबीआर को ताजरों पर थानेदार लगा दिया, हुकूमत होश के नाखून ले, शेख उमर हयात की गुफ्तगू। हुकूमत के हामी ताजरों मौजूद मुजाहिद मकसूद बट, हमायू इकबाल और जमान नसीब ने भी अपने तहफ़ुज़ात से डीसी को आगाह किया। हड़ताल की सूरत हाल, साइकिल पर कवरेज बेमिसाल, लाहौर न्यूज़ का एजाज़, अब अंदरून शहर की कवरेज भी आसान, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स की शटल कवरेज, जगह जगह दुकानों की तालाबंदी अपने नाजरीन को दिखाई, मॉल रोड और अतराफ की मार्केटों का अहवाल मोटरसाइकिल पर सर्वे के जरिए किया बेनकाब, मुनफरद अंदाज में कवरेज पेश करने वाला मुनफरद चैनल जिसके कैमरे से कुछ नहीं उझल। आवाम की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया, वज़ीर-ए-आला का खिदमत मरकज के काउंटर का दौरा, हुक्काम की ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आला पंजाब का पुलिस के मुंजमित फंड्स की बहाली और शोहदा के लिए हाउसिंग स्कीम में अलग कोटा मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि महकमा पुलिस आवामी मुश्किलात कम करे, जुल्म करने वालों का हाथ रोकें और मजलूम की अशचोई करें, खिदमत मराकज के जरिए शहरियों को सफर की जहमत से निजात मिलेगी। पंजाब पुलिस आवाम को इनकी दहलीज पर खदमत फराहम करेगी, शहरियों को मामलात के लिए अपने आबाई इलाकों में जाने की जरूरत नहीं, ग्लोबल पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं। आईजी पंजाब खिदमत मरकज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पुलिस की तनख्वाहों तमाम महकमों से कम है, वज़ीर आला से पुलिस के नए अलाउंसेस देने की अपील। नून लीग की बर्बादी का जिम्मेदार मरियम नवाज करार, जो जितना चीख रहा है उस पर उतना ही बड़ा केस है, नवाज शरीफ एक केस में रिहा हो गए तो दूसरे में सजा हो जाएगी। इमरान खान से कहा कि सबको जाने दो, मगर वजीर आजम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। शेख रशीद की चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन दिलचस्प होने की पेश गोई, कहा ट्रंप और इमरान खान का मिजाज एक जैसा है, दौरा अमरीका कामयाब होगा। जजेस के लिए रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है, अहम फैसले करने से कबल जजेस के लिए कानून का मुकम्मल मुताला करना जरूरी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मामून रशीद का रिसर्च वर्क प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा कानून तेजी से बदल रहे हैं, जजेस को अपडेट रहना होगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, शहर में टूटे और खुले मेन होल्स कैमरों के जरिए निशानदेही, नश्तर टाउन गंजबख्श टाउन की मुबैना नाहली से पर्दाचाक, फिरदौस मार्केट का गटर मौत बांटने लगा, डिफेंस रोड चुंगी अमर सदू के गटर का मैन होल टूट चुका, कैबरी ग्राउंड के करीब सड़क भी बैठ गई, लाहौर न्यूज सेफ सिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट सामने ले आया। एयरपोर्ट फायरिंग केस के मुलजिमों की पेशी पर खून खराबे की कोशिश नाकाम, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से फिर असलाह पकड़ा गया, मुदई और मुलजिम पार्टी के अजीज अकारिब की गाड़ियों से असलाह बरामद, पुलिस ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके थाना रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया, इसरार भट्ट की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी, तफ्तीशी अफसर को मुलजमान की तफ्तीश करके शामिल करने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लड़की भटने की
ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਗਈ ਰੇ फिल्म काफ कंगना ईद मेले से बाहर। फिल्म की ईद उल अज़हा पर नुमाइश का ऐलान किया गया था। अब काफ कंगना 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म में फिजा अली, आयशा उमर और इशाल फयाज ने अदाकारी के जौहर दिखाए।